Hello everyone, today's video topic is family and relatives names in English. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली मेम्बर्स और रिश्तेदारों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दादी और नानी को ग्रैंड मदर, दादा और नाना को ग्रैंड फादर, परदादी और परनानी को ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादा और परनाना को ग्रेट ग्रैंड फादर, पोता को ग्रैंड सन, पोती ग्रैंड डॉटर, चाचा मामू फुफ्फड़ और खालू को आप अंकल कह सकते हो, और चाची मामी फुप्पो और खाला को आप आंट कह सकते हो. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हो तो आप चाचा को पेटर्नल अंकल कह सकते हो, चाची को पेटर्नल अंकल्स वाइफ, फुप्पो को पेटर्नल आंट, फुप्पड़ को पेटर्नल आंट्स हस्बैंड, मामा को मेटर्नल अंकल, मामी को मेटर्नल अंकल्स वाइफ, खाला को मेटर्नल आंट, खालू को मेटर्नल आंट्स हस्बैंड. पेटर्नल का मतलब है कि जो आपके अब्बा जी की साइड से रिश्तेदार हैं, और जो मेटर्नल है उसका मतलब है जो आपकी अम्मी की साइड से रिश्तेदार हैं. ओके, भतीजा को नेफ्यू, भतीजी को नीस, इन लॉज. जो हस्बैंड की वाइफ के पेरेंट्स और क्लोज रिश्तेदार होंगे वो हस्बैंड के इन लॉज होंगे, और वाइफ के हस्बैंड के पेरेंट्स और उसके जो रिश्तेदार हैं क्लोज वो वाइफ के इन लॉज होंगे. ससुर फादर इन लॉ, सास मदर इन लॉ, दामाद सन इन लॉ, बहू डॉटर इन लॉ, सालात देवर और बहनोई को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, साली को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है. सुतेली माँ स्टेप मदर, सुतेला बाप स्टेप फादर, सुतेला भाई स्टेप ब्रदर, और सुतेली बहन स्टेप सिस्टर. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.